गुजरे जमाने की शान जावा बाइक अब फिर से नए अवतार में, शोरूम आपके शहर सागर में भी उपलब्ध। तो आज ही लीजिए नई जावा बाइक, पता जावा शोरूम, बरसा इंडस्ट्रीज के बाजू में, भगवानगंज सागर। संपूर्ण सागर जिले के कोने कोने से आए मेरे सभी भाई बंधुओं के लिए, माताओं बहनों के लिए गोपाल भार्गव का नमस्कार स्वीकार करें। परसों 8 तारीख को मैं अपने प्रभार के जिले निवारी में, ओरछा निवारी जिले में आता है, ओरछा में विवाह पंचमी होती है और परसों विवाह पंचमी थी। राम राजा का 3 दिवसीय कार्यक्रम वहां पर होता है, वैवाहिक कार्यक्रम होता है। माता सीता और राम जी के वाहिनी, जानकी जी के वाहिनी, वहां पर बहुत बड़ी बारात भी निकलती है, भव्य आयोजन होता है, ऐतिहासिक आयोजन होता है और सैकड़ों वर्षों से हो रहा है। बुंदेलखंड का वह सबसे ज्यादा, मैं मान के चलता हूँ कि थोड़ा पिछड़ा इलाका। उसी दिन जैसे ही इस घोषणा को लोगों को मालूम चला, घोषणा हुई कि हमारी बेतवा कैन लिंक परियोजना जो है उसे भारत सरकार ने स्वीकृति दे दी है। तो बात तो मैं मान के चले शाम के 7 बजे थे, मोदी जी और शिवराज जी के जय जयकार के नारे लगने लगे वहां पर ओरछा में। मैंने उस समय देखा ओरछा से निवारी होते हुए मैं जब कल छतरपुर आया अपना कौन पुष्का जो हमारा अभियान था उसमें भाग लेने के लिए, तो छतरपुर में भी यही भाव था। सभी लोगों को ये लगता था कि कोई अपना ऐसा काम हुआ है जो बुंदेलखंड में तरक्की और विकास में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। पहले हम चर्चा करते थे पंजाब और हरियाणा की बोलचाल में, हमारे यहाँ के लोग कहते थे पंजाब हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा। वैसे तो कृषि उत्पादन के क्षेत्र में हम पंजाब से आगे भी स्थान निकल गए, लेकिन अब वास्तव में ऐसे क्षेत्र जहाँ आज़ादी तो मिली लेकिन आज़ादी का आधा सूरज क्षेत्रों को छोड़ के निकल गया, उस क्षेत्र में अंधेरा रहा आया। अब बुंदेलखंड का वह सभी इलाका, चाहे सागर जिला हो हमारा, चाहे दमोह जिला हो हमारा, छतरपुर जिला हो, पन्ना हो, टीकमगढ़ हो, निवाड़ी जिला हो, सारे के सारे जिले, दतिया जिला भी उसमें शामिल है और साथ में हमारा जुड़ा हुआ उत्तर प्रदेश। नदियां तो हमारे यहाँ से निकलती है, कैन भी हमारे यहाँ से, बेतवा भी हमारे यहाँ से, और बेतवा तो हमारी पवित्रता नदी है। जब भगवान को स्नान करवाते हैं तो बेतवती नदी के मंत्र से भी करवाते हैं, गंगा सिंधु सरस्वती यमुना गोदावरी कावेरी सरयूवती वेदिका क्षिप्रा बेतवती। तो बेतवती उस समय हमारे लिए एक धार्मिक नदी थी, अब हमारे लिए विकास की नदी भी वह हो गई। इसके लिए मैं प्रणाम करता हूँ बेतवती नदी के लिए, तो वास्तव में हम सभी के लिए उन्होंने आशीर्वाद दिया। नदियाँ हमारे लिए आशीर्वाद की विकास की तो है और इसीलिए हम उनको पूछते हैं। एक सौगात ये, दूसरी सौगात आज मुख्यमंत्री जी ने पहले ही दे दी थी। बहुत वर्ष पहले की बात है जब एक कंसेप्ट आया था स्मार्ट सिटी का, मेरी मुख्यमंत्री से बात हुई, मुख्यमंत्री जी ने मुझसे कहा सागर को करें। मैंने कहा मैं बहुत धन्यवाद दूंगा, सागर की जनता धन्यवाद देगी, जिले की जनता भी धन्यवाद देगी और जो सागर आने वाले लोग हैं यहाँ आके बसते हैं, रहते हैं, चलते फिरते हैं, उन सभी के लिए बहुत बड़ी सौगात होगी। मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने स्मार्ट सिटी की घोषणा, और जैसा कि बताया भी मुख्यमंत्री जी ने, वास्तव में आज़ादी के बाद यदि शासकीय मेडिकल कॉलेज, पहले हमारे 7 मेडिकल कॉलेज थे मध्य प्रदेश में, 7 मेडिकल कॉलेज के बाद आज़ादी के बाद मुख्यमंत्री शिवराज जी के बनने के पहले एक भी मेडिकल कॉलेज शासकीय रूप से नहीं खुला था। मैं धन्यवाद दूंगा कि पहला मेडिकल कॉलेज शासकीय खुला और तो मेडिकल कॉलेज सागर में खुला, जिससे आज हजारों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। धन्यवाद। कटरा में कटरा मस्जिद के पास में हमारे उस समय कार्यक्रम हुआ था जिसमें मुख्यमंत्री ने घोषणा की स्मार्ट सिटी के काम चल रहे, तेज गति के साथ में चले, मुख्यमंत्री जी की यही इच्छा, राशि का सदुपयोग हो यही इच्छा। यह हमारे इलाका बंजारा जी
यह पुराने स्वरूप में आए और बेहतर स्वरूप में आए, परिष्कृत और परिमार्जित जो स्वरूप में आए, इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने आज अपना कीमती समय निकाल के पूरी झील का अवलोकन किया और सिल्ट के निकालने का काम, मिट्टी के निकालने का काम उन्होंने स्वयं देखा, पैदल चल के आज झील तक बैठे। इसके लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं और इसलिए भी क्योंकि एक विरासत मेरी मानसिकता के साथ भी जुड़ी हुई सागर में झील के साथ। मैं शुक्रवार की टोरी पर, मेरा पुराना घर है, मैं वहाँ रहता था और जब यहाँ नगर पालिका थी, ये नगर निगम नहीं बनी थी, डॉक्टर लक्ष्मीनारायण सलाहकार यहाँ पर नगर पालिका के अध्यक्ष, मुझे अच्छी तरह से याद है। उस समय झील का पानी इतना शुद्ध रहता था, तालाब का पानी इतना शुद्ध रहता था कि हम सभी लोग कपड़े लेके और घाट पर रख के, गौ घाट पर या पाठक घाट पर रख के, और हम लोग तालाब में नहाया करते थे और तालाब का पानी पिया करते थे। कालांतर में लगातार नाली मिलते गए और झील प्रदूषित होती गई और झील का पानी बदबूदार होता गया, उसमें जलकुंभी इत्यादि पैदा हुआ। आज मुझे लग रहा है मुख्यमंत्री जी ने देखा जो सत्य बात, उन्होंने कार्रवाई करने की और इसके साथ जो निर्माण कार्य भी अन्य हो रहे हैं उनकी प्रगति के बारे में भी देखा है। तो मुझे ये कहते हुए कोई संकोच नहीं है कि आने वाले 2-3 वर्षों में सागर शहर को देखने के लिए, जैसा इंदौर के लिए आते हैं, भोपाल के लिए आते हैं, मध्य प्रदेश के 1 और 2 नंबर शहरों के लिए आते हैं, सागर शहर के लिए भी देखने के लिए लोग हिंदुस्तान के आएंगे। हमें रहने में गौरव का अनुभव होगा, हमें गर्व का अनुभव होगा। सागर हमारे बुंदेलखंड का राजधानी है, प्रकाश के मान के तो सबसे बड़ा शहर है और इस पर हम सभी के लिए गर्व होना चाहिए। मैं पुनः धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री जी को अपना कीमती समय निकालकर, और उन्होंने ये सब काम देखने का किया है, इसका निश्चित रूप से बहुत बेहतर परिणाम सागर वालों के लिए मिलेगा। बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं आज मुख्यमंत्री जी के लिए भी धन्यवाद, आप सभी लोग पधारे सागर शहर वासियों के लिए, बल्कि पूरे बुंदेलखंड वासियों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं इस आपके आगमन के लिए, धन्यवाद, नमस्कार। हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे उनका आपको सभी को जानकारी, निधन हो गया दुर्घटना में और इस कारण से हम सभी लोगों ने कई लोगों की इच्छा थी सम्मान कर मुख्यमंत्री जी का, क्योंकि राष्ट्रीय शोक है और इस कारण से हम शोक में शामिल होते हुए यह सब नहीं कर सके, लेकिन हम तालियों की गड़गड़ाहट के साथ एक बार मुख्यमंत्री का हम स्वागत करेंगे सभी लोगों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। सागर एक्सप्रेस न्यूज के वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए, और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।